सब्सक्राइब करें थैंक्स इशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंत आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सुंदर से सुबह के लिए प्रार्थना करते विनती करते धन्यवाद करते हैं कि खुदावंत आपने हमें आशीष दी, आपने हमें बरकत दिया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक सुंदर से सुबह दिया है और इस सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर की आप महिमा करें और धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर ने आपके बच्चों को आपको एक नया जीवन दिया है, एक नया सूर आपके जीवन में उदय किया है, एक नई उम्मीद दी है, एक नई ताकत परमेश्वर ने आपके जीवन में दी है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आज हम बहुत सारी चिंताओं में, बहुत सारी परेशानियों में, बहुत सारे दुख में, बहुत सारी तकलीफों में, बहुत सारी चिंताओं में आज हम पड़े हुए हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी बातों को सुनो आज, क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, विनती करते हो, तो मैं तेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, जब आप पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 110 और वचन नंबर 1 में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर और उसका चुना हुआ हर एक राज्य, हर एक व्यक्ति, हर एक एक मसीह भाई बहन आज परमेश्वर के चुने हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है 1 में, मेरे प्रभु यहोवा की वाणी यही है, और तू दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों में चौकी ना कर दूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपकी शैतानी ताकत आपके जीवन में काम करती है, वो हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी जिंदगी में हर उसको घुटने आपके सामने टिकाएगा परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, आज जो आपके शत्रु हैं, आपके दुश्मन हैं, आपके अनेक प्रकार की जो आपके जीवन में परेशानियां हैं, उसको परमेश्वर घुटने के पास ला करके टेकेगा, क्योंकि परमेश्वर हमें हर तरीके संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों में ना ला करके छोड़ दूं, तब तक परमेश्वर का वचन यह कहता है कि तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज हमारा शत्रु कोई भी हो सकता है, आज हमारा दुश्मन कोई भी हो सकता है, आज हमसे जलन रखने वाला कोई भी हो सकता है, हम ये नहीं कहते कि हमारा ये दुश्मन है, नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सिखाया है, पहली बात तो हमें किसी से दुश्मनी नहीं रखनी है, क्योंकि हमारा शत्रु कोई नहीं है। यदि कोई हमारा शत्रु बनता है तो हम उसे परमेश्वर के चरणों में छोड़ देते हैं कि परमेश्वर तुझे देखेगा और तुझे हर तरीके से वो संभालेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज इतने लोग घबराए हुए हैं, परमेश्वर ने कहा था मैं तेरे हर एक कामों में आशीष दूंगा, बरकत दूंगा। आज जो आप रोते हैं, आंसू बहते हैं, आपके दुख और तकलीफ, परमेश्वर देखने वाला वो संसार में देखने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक मैं तुम्हें आशीष नहीं दूंगा, बरकत नहीं दूंगा, जब तक तुम्हें रास्ते पे नहीं ला दूंगा, तब तक परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा और ना परमेश्वर कभी आपको छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मनुष्य जो होता है कुछ समय के लिए सही हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद उसका मन भटकने लगता है, इसीलिए परमेश्वर आपको जिंदगी भर कभी भी नहीं छोड़ सकता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, आपके घर में बरकत देने जा रहा है, आपके जीवन में हर एक चीज को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो आपकी जिंदगी में हर चीज की घटी और कमी है उसे पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि जो आप हमें वचन दे रहे हैं, पिता परमेश्वर आप हमें उसे आशीष दें, हमें ज्ञान दें, हमें बुद्धि दें, हमें समझ दें, हमें ताकत दें, हमें पिता परमेश्वर परिपूर्ण कर, मेरे बच्चों को ज्ञान
ज्ञान दे। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी को हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर ये भी कहता है कि मैं पूरा करूंगा, लेकिन परमेश्वर ये भी कहा, हे परमेश्वर तू जिसकी मैं स्तुति करता हूँ, मतलब जो हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, उसके वचन को सुनते हैं और वचन में मजबूती से साथ चलते हैं, इसीलिए परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम व्यर्थ की बातें मत करो, व्यर्थ की बातों से मत लड़ो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे आज हम अनेक प्रकार की छोटी छोटी बातों से लेकर के काफी ज्यादा उलझ जाते हैं, इससे प्रॉब्लम हम ही को होती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम व्यर्थ की बातों में ध्यान मत दो, व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की लड़ाइयों में आप अपना समय मत व्यतीत करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो यहोवा है वो हमारी ओर से लड़ने वाला है, जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा यीशु मसीह है, वो हमारा मसीहा है, वो हमारी ओर से लड़ने वाला है। वो शैतान आपकी जिंदगी से भागेगा, जो आपकी जिंदगी में अनेक प्रकार के दुख हैं, तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, चिंताएं हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, खुदा का वचन कहता है, खुदा का वचन आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपकी शरीर में बीमारियां हैं, दिक्कत है, मुसीबत है, चिंताएं हैं, अनेक प्रकार के गलत विचार आपके जीवन में आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ दूंगा, ताकत दूंगा, ताकि मैं आपकी जिंदगी को आशीष दे सकूं, आपको बरकत दे सकूं। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्यों, आज आप घबराए हुए हैं, लेकिन बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना, बिल्कुल भी डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक चीज को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि खुदावंद आपने हमें संभाला है, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी है, और हम आपसे विनती और प्रार्थना करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, और जो भी वचन में आपने दिया पिता परमेश्वर, हम उस वचन को ग्रहण करते हैं। हम यहोवा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज पिता आपने हमें स्तुति करने के लिए जीवन दिया और श्वासें दी, आपका धन्यवाद करने के लिए पिता आपने हमें श्वासें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज लाखों लोग परमेश्वर को, आज लाखों लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, खुदावंद आपके जीवन को आशीष देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबतें मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे बिजनेस से, मेरे कामों से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, हर प्रकार की समस्या निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, महिमा हो। मेरे प्रियो परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपके हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, जोर से बोलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है, आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से, आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है, आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें, आज मैं देख रहा हूं, अभी देख रहा हूं जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर, आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरे नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं, परमेश्वर
परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आप उन्हें सजा दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था याद करिए। पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्यों। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था, उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा है, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला, यीशु मसीह के नाम से उस शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के, 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहने बिल्कुल भी उदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बेटे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं। लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है, उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्या हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो, तुम आज्ञा दोगे शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए, और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में है, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे
करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आए, आपको बचाने के लिए वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज इतने लोग घबराए हुए हैं, आज इतने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था, इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है, इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए, आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए, आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बल से, आज आपकी जिंदगी से, हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से, आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर में, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहां पे हैं कहां नहीं हैं, लेकिन इस समय जहां भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे, यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है, आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है, आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा इस मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है, आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपके आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूं। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से, पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो, परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए, परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता, जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार माता पिता भाई बहनों के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है,
अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है। यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्या यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है, पिता परमेश्वर आज हमको अभिषेक किया है, पिता परमेश्वर उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल निकल। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए। यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। के पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है, आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपके हर एक जीवन के कार्य शैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा, हर बच्चों से, हर बेटियों और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे, आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।